नमस्कार साथियों, आज हम जानते हैं कि विंचुरी को कैसे चालू किया जाता है। सबसे पहले विंचुरी की छोटी वालों को चालू कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन लाइन होती है उसमें एक वाल लगी होती है, उसको हम धीरे धीरे करके बंद करते हैं, जिससे विंचुरी में आवाज़ आनी चालू हो जाती है। इससे ये प्रतीत होता है कि विंचुरी पानी उठाना चालू कर दी है। उसके साथ में एक ये बड़ा ड्रम होता है, इसमें घोल बनाया जाता है और इससे एक पाइप जो है वो कनेक्ट होती है विंचुरी में। इसी पाइप के माध्यम से विंचुरी पानी को यहाँ पे उठाती है। उसके बाद आप देखोगे उसी लाइन में विंचुरी के बाद में फिल्टर लगे हुए हैं। इन फिल्टर का काम होता है पानी को साफ करना। उसके बाद ये पाइप लाइन अंडरग्राउंड गई हुई है खेत में। इसके माध्यम से खाद और पानी, इन जो आपको मल्चिंग दिख रही है, इस मल्चिंग में छोटे छोटे पौधे अभी हुए हैं और उन पौधों में खाद और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, जिससे कि पानी और खाद की बचत होती है। धन्यवाद।